जय श्री राम। जी हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये अयोध्या में इस वक्त खड़ा हूं मैं और अयोध्या सजी हुई है, सच करके तैयार हो रही है राम लला के स्वागत को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कार्यक्रम होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए पूरी अयोध्या तैयार। भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों को इंतजार था, 22 तारीख का वो पल आ चुका है और आप मेरे पीछे जिस तरह से पूरे देश को इंतजार था श्री राम का, वैसे ही आप देख सकते हैं उनके अनंत भक्त यानी हनुमान जी। हनुमान गढ़ी में मैं खड़ा हूँ और हनुमान गढ़ी में ये सीताराम का जाप सालों से चला आ रहा है, कब से चला आ रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये अनवरत जो सीताराम को बुलाने का जो उनकी प्रक्रिया जब से शुरू हुई थी, जब से ये भजन शुरू हुआ था सीताराम सीताराम, तब से ये चला आ रहा है। सुनिए आप हनुमान गढ़ी का वो सीताराम का जाप जो कई सालों से चला आ रहा है और अब इस श्री राम खुद आ रहे हैं एक बार अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए, तो अनंत भक्त हनुमान का वो इंतजार भी इसी के साथ खत्म होगा कि सालों के बाद एक बार फिर से उनके प्रभु आकर के अपने मंदिर में विराजेंगे। और देखिए मैं पहले आपको वो सुनाता हूँ कि कैसे वो जाप चल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि सालों से चला आ रहा है जाप और अभी भी चल रहा है और मैं वो जगह भी दिखाऊंगा आप, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं दूर, यहाँ से सामने ही भगवान श्री राम का जो निर्माणाधीन मंदिर है वो बन रहा है और आप देख सकते हैं वहाँ दूर सामने आप देखें आओ तो और हनुमान यहाँ बैठे हैं, प्रभु श्री राम वहाँ बैठेंगे और ये अयोध्या एक बार फिर से उसी जैसे उस वक्त थी जब श्री राम यहाँ लौट करके वनवास के बाद आए थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। मैं उस जगह भी ले चलूंगा जहाँ पर श्री राम अभी जो 3-4 दिनों का इंतजार है, यानी उस टेंट वाली जगह में भी जहाँ पर वो बैठे हुए हैं। ये मेरे पीछे राम मंदिर और राम जन्मभूमि है जहाँ पर दर्शन, वो टेंट वाले दर्शन अभी भी हो रहे हैं रामलला के, और उसी के बगल में ही मंदिर बन रहा है जिसका उद्घाटन, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। आप देख सकते हैं भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार यहां बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने आपको दिखाया हनुमान गढ़ी, वहां भी भीड़ है, वहां की भीड़ के बाद यहां लोग दर्शन करने आते हैं, वहां दर्शन, उसके बाद राम जन्मभूमि यानी अयोध्या आने का जो प्रयोजन है वो भक्तों का यही आकर के पूरा होता है। आप देख सकते हैं 20 तारीख तक अभी जो दर्शन होने हैं वो होने हैं और इसीलिए महिलाओं की, बच्चों की, पुरुषों की भीड़ लगातार आ रही, तमाम लोग, उनमें से ऐसे भी हैं जो नए मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं लेकिन क्योंकि अभी मंदिर खुला नहीं है वहाँ दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन जो पुराना जो अस्थायी मंदिर बना हुआ है जिसे टेंट का मंदिर कहा जाता है वो चालू है और वहाँ पर लोग दर्शन करके राम लला को नए मंदिर में जाने के जो इंतजार है, जो घड़ी आने वाली है उसके लिए भी इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर बकायदा रुक रहे हैं लेकिन प्रशासन ने यहाँ से कह दिया है कि यहाँ रुकना मना है 22 तारीख तक, 22 तारीख के बाद फिर आप लोग आइए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद यहाँ दर्शन हो पाएंगे। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ अयोध्या से कुलदीप द्विवेदी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।